कि जितना युवा घूम रहा सब लफुआ है, तो भाई लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हो। क्यों नहीं आप क्षेत्र में विकास किए, क्यों नहीं आप बड़े बड़े कॉलेज इंडस्ट्रीज लगाए जो काम करता, रोजगार करता, शिक्षा ग्रहण करता, स्वास्थ्य पे ध्यान देता। लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हैं। तो वॉशिंग मशीन है बीजेपी में, और जो लोग भी बीजेपी में जाते हैं ना वो मासिक वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं उन पे ऐसे ही टिका टिप्पणी होता है। कार्यकर्ता से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नॉमिनेशन भी हो गया है, लेकिन खबरें हेडलाइंस बनी हुई है कि उनकी माता जी भी अब नॉमिनेशन में आ रही है, तो क्या पवन सिंह को डर है? आ रही है नहीं, आ गई है, और उनका भी स्क्रूटनी हो गया है, उनका भी पेपर क्लियर हो गया है, और दोनों ही नॉमिनेशन दोनों का क्लियर है। माता जी को आगे लाने का क्या कारण था? पवन सिंह को खुद पर विश्वास नहीं था? नहीं, पवन सिंह को खुद पर विश्वास कैसे नहीं है, बिना विश्वास के वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं क्या निर्दलीय चुनाव खड़ा होना? आज के डेट में काराकाट तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बिहार में एक को लोकसभा है, बाकी 39 पे किसी का ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, और भी 39 क्षेत्र से हो रहे हैं चुनाव, सारा का सारा दुनिया देश बिहार केंद्रित हो गया काराकाट, सबका गला का हड्डी काराकाट बन गया है, बाकी 39 सीट्स पे किसी की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? एक युवा अगर आ रहा है, वो उसका उसकी इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ बिहार के लिए करूं, तो इसमें इतना बड़ा दुर्भाग्य इसको क्यों बना रहे हैं, सौभाग्य क्यों नहीं बना रहे हैं हम लोग? इस बात पे हमको बहुत दुख हो रहा है, और कोई बात नहीं। मैम, कमेंट्स काफी हम लोग देख रहे थे, वीडियोस पर ये आ रहा था कि पवन सिंह दो शब्द अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो काराकाट का विकास कहां से करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, इतिहास उठा के हमको बता दीजिए, अब बोलेंगे तो फिर बोलेंगे छोटी मुंह बड़ी बात बोलते हैं। हमारे बिहार के भीष्म पितामह जो है, हमारे गार्जियन जो है, यहाँ कितने आपके बिहार में ऐसे मंत्री और विधायक हैं? मुझे लगता है 70% मंत्री और विधायक मंच पे अच्छी तरह भाषण नहीं दे, नाम क्यों ले किसी का? हम पवन सिंह क्या पहला व्यक्ति, और पवन सिंह बोल नहीं पाते, कौन कहता नहीं बोल पाते, अभी ना दहाड़े हैं जी नॉमिनेशन में, इंटरव्यू से डरते हैं, काफी लोग कहना कि इंटरव्यू से डरते हैं, बाबू अलग अलग ना बोलते हैं। अरे 150 के ऊपर इंटरव्यू हो गया बड़े बड़े चैनल में, इंटरव्यू सुनो ना, क्या बैलेंस्ड बोलता है बंदा, हर को मान सम्मान देता है, हर को एकदम रिस्पेक्टेबल वे में बात करता है, कितने शब्दों में सलीका होता है, वैसे सलीके से बोलने वाला आपके पास कितने मंत्री है बिहार में ही बताओ। तो बड़े बड़े अभी तो बहुत सारी चीजें वो करेंगे, क्योंकि देखिए वो उसको जितना स्टार्डम चाहिए था जीवन में मिल गया, पैसा जितना कमाना था, मुकाम हासिल हो गया, सारी चीजें तो वो पा चुके अपने जीवन में, अब वो पैसा कमाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, हाँ वो सिर्फ सेवा भाव से आ रहे हैं, अपनी माँ को जो कमिटमेंट उन्होंने किया था माँ का, और माँ से बढ़ के ना रियली कुछ भी नहीं है। जब पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं तो उन्होंने बीजेपी से अपनी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की? ये हम वो क्यों करेंगे? अभी मेरे संगठन इतना बड़ा महिला विकास मंच में है, कोई सदस्य जाके कहीं पे अपना दूसरा महिला विकास मंच के दूसरा काम स्टार्ट कर देगी, तो वो मेरा डिसीजन है ना, उसको मैं रखूंगी या हटाऊंगी, वो तो जाने वाले तो चले ही जाते, उसके बाद में एक्शन लेंगे, तो संगठन का काम है कि आप एक्शन लीजिए उन पे। की माँ आंचल फैला करके अपने बेटे के लिए वोट मांग रही है, तो क्या पवन सिंह अपनी माँ को आगे करके वोट लेना चाह रहे हैं? माँ को, अच्छा माँ को आगे किए, बीबी को आगे किए, बहन लोग खड़ी थी, हम लोग यहाँ सैकड़ों बहनें खड़ी थी, पूरा लोग खड़ा है, कोई भी किसी का आंचल फैला के अगर मांग रहे, एक भावना को कनेक्ट होता है, माँ अगर वहाँ अपने युवाओं से मांग रही है कि बाबू भैया को सपोर्ट करो, आशीर्वाद दो, तो आंचल फैला के वोट मांगना ये कोई अपराध है, गुना है, ये तो भावना है, भावना पे सवाल क्या दिखती है? और क्या चाहिए, तो निर्दलीय लग रहा है, लेकिन काफी सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी वाले उनको जानबूझकर जो है निर्दलीय चुनाव के लिए उनको खड़ा किया। देखिए ऐसा है, अब इंटरनल बातें क्या है नहीं है इस पे तो हमें कोई कमेंट नहीं करना है, बहुत सारी, वो तो पवन जैसा लड़का है जो इतनी मुसीबतें फेस कर गया, कितनी सारी परेशानी आ रही है, और कितनी विपरीत परिस्थिति में उस व्यक्ति ने नॉमिनेशन किया, वो हम लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जानता है, एक एक पल का रिपोर्ट, ऐसे कुचलिएगा युवा को बिहार में, ऐसे बाकी युवाओं का क्या हाल होगा? किसी को आप लकुआ कह के युवा को संबोधित कीजिएगा, तो फिर कहिएगा जितना पवन के पीछे लड़का है सब लकुआ है, जितना है आपका बिहार का युवा है, आपको शर्म नहीं आती बिहार के युवाओं को आप लकुआ कह रहे हो, टपोरी कह रहे हो, मतलब ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे मंत्रीगण कह रहे हैं, वाह रे मंत्री, आप बिहार में रह के बिहार के बच्चों को लफुआ कहिए, टपोरी कहिए, ये कोई आपकी भाषा है? पवन सिंह की जो बैकग्राउंड रही है नाचने गाने वाला, तो उसको लेकर के काफी लोग कहते हैं
कि क्या वहाँ पर नचनिया बजनिया काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास कर पाएंगे या वहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं या लड़के हैं सबको एक्टर एक्ट्रेस बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, दो मिनट हम मान लेते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस ही बनाएंगे, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को का आपके यहाँ कोई नामो निशान ना फिल्म इंडस्ट्री है ना कोई ऐसा संस्था बना भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ना आर्ट एंड जो एक्टिंग स्कूल बनी कॉलेज बना कुछ नहीं बना। अगर फॉर एग्जाम्पल पवन जी आके एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ बढ़िया कर ही देते हैं तो क्या ये अपराध का मामला हो जाएगा? लड़कियों के जो बॉडी स्ट्रक्चर पर पवन सिंह का गाना आता है क्या उस तरीके से वो विकास करेंगे? क्या पवन सिंह ही गाना गाते हैं? मनोज तिवारी का गाना क्या पवन सिंह ही नाच करते हैं? आपके सांसद जी जो है मनोज तिवारी जी रवि किशन जी कौन है? और कंगना रनौत जो आई है उतरी है बिकनी पहन के मूवी बनाई है वो कौन है ये बताइए पहले? आज पवन सिंह पे ही सब कुछ लोग को दिख रहा है, सोना है वही नहीं तो यही बात है कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी में और जो लोग भी बीजेपी में जाते हैं ना वो वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं और जो नहीं जाते हैं उन पे ऐसे ही टिका टिप्पणी होता है। अब बताइए ऐसा मंत्री उस क्षेत्र का जिसे जनता चुन के बनाती है सदन में भेजने का काम करती है वो कह रहे हैं कि जितना युवा घूमड़ा सब लफुआ है तो भाई लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हो। क्यों नहीं आप क्षेत्र में विकास किए? क्यों नहीं आप बड़े बड़े कॉलेज इंडस्ट्रीज लगाए जो काम करता रोजगार करता शिक्षा ग्रहण करता स्वास्थ्य पे ध्यान देता? लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ये टिक्का टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी की चाल लग रही है आपको? बीजेपी क्या किसी की भी चाल हो, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी की चाल है, ये विपक्षी की चाल है क्योंकि उनको मुद्दे पे बात करना आता नहीं है। हमारा मुद्दा है शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य, हम उस पे बात करेंगे, हम क्षेत्र के विकास पे बात करेंगे। और जब क्षेत्र की बात आएगी ना तो पवन भाई तैयार रहेगा और कोई नहीं। क्या मैम लग रहा है कि पवन जी चुनाव जीतने के बाद 5 साल वो अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के वो जनता की सेवा करेंगे? इंडस्ट्री कोई नहीं छोड़ रहा। अच्छा निरहुआ जी छोड़ दिए क्या? मनोज तिवारी छोड़? काम करने का एक तरीका होता है भाई, उस तरीके से पवन सिंह जी काम करेंगे, जनता के बीच उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। जो वहाँ के तमाम मुद्दा है शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां वहाँ पे बंद पड़ी है उस चीजों पे हमारी काम होगी, उसके लिए वो काम करेंगे। 5 साल छोड़ के काराकाट में कैसे बैठ जाए? अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं मैं 1 मिनट रोकूंगी। आप ये बताइए इतने लोग मंत्री बने ना आज जी। बहुत लोग हैं जी। पवन में एक चीज आप लोगों ने, जनता इस बात से झुठला सकती है, पवन में एक चीज जो सेवा भाव है वो सबको दिखता है। आज तक पवन ने जिस पे भी हाथ रखा उसको अपने कैरियर में आगे बढ़ाया। आज तक पवन जिस भी मंच पे गए, किसी लड़की के शादी में गए तो वहां 1-2 लाख, 5 लाख से मदद करके ही आए हैं, वो जनता ने देखा है। बताइए ना कितने लोगों ने, उसका तो भाव है भाई, वो सबको मदद करता है। नहीं भी मंत्री बनेगा तो भी उसकी जितनी सक्षमता है वो मदद करेगा। प्रश्न उठ रहा है कि पवन सिंह जी का जो जन्मभूमि आरा है तो क्या आरा से डर गए थे? इससे पहले भी आरा से उनके भाई चुनाव लड़े थे मुखिया के, और बहुत कम पॉलिटिकल काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी पवन सिंह का जन्मभूमि ही है। आप ये नहीं कह सकते वो जहाँ कदम रखे है ना वो भी उनका कर्म भूमि और जन्म भूमि ही है। इससे पहले पवन सिंह जी का जो भाई है वो मुखिया के चुनाव लड़े थे, हमारी उसके भाई भतीजे को कोई काम करने का हमारा मुद्दा बस एक ही है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को अगर बदलना है तो पवन सिंह जैसे युवा को लाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पवन सिंह जी से डर गए हैं क्या वाकई में? उपेंद्र कुशवाहा जी तो डर के मारे सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कह रहे कि उनके साथ जो घूम रहे वो लफुआ है। सुनिए ना, लफुआ बनाने वाला भी उपेंद्र कुशवाहा जी है और हम क्या देते हैं, यही जो लफुआ है ना यही काराकाट लोकसभा क्षेत्र का भविष्य भी बदल के दिखाएगा। काराकाट के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एज अ पॉलिटिशियन पसंद नहीं है पवन सिंह जी, क्या कहिए? कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, क्षेत्र में हर व्यक्ति चाह रहा है कि पवन ही आए। सुनिए नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये विरोधी का कहना है। सुनिए, युवा ही इतिहास रचा है और युवा ही नहीं देश को बदला है, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र को जिसे लफुआ का संबोधन कर रहे मंत्री लोग, मैं उन्हें कह देती कि यही लफुआ लोग पवन सिंह को वहां पे नेता और बेटा भी बनाएगा।
पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद 100% श्योर है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कोई ये बात कैसे कह सकते हैं अभी हम वर्तमान की बात क्यों न करें। मैम, आप तीनों लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण किए, क्या लगता है कि क्या क्या कमियां है, क्या क्या वहां पर अभी डेवलपमेंट? कमी, मैं तो उस क्षेत्र में गई है, मैं पूछी कि भैया विकासवा आया था गाँव में, सब बोला विकास तो दिखाई नहीं मैडम। और हकीकत है, आप जाकर के चेक कीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, ना तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना दिखेगी, ना नल जल योजना दिखेगी, ना उज्ज्वला योजना दिखेगी। सड़क की तो बात छोड़ दीजिए मैडम, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिसमें ना जाने लाखों की रोजगार मिल सकती थी मजदूरों को, बंद पड़े, वो सब बंद पड़े हैं, जिसके कारण बिहार से मजदूर सप्लाई होता है और हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद है। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ऐसा लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि हम किसे चूज करें। भाग्य की पवन सिंह वहां पे आए और वहां का भाग्य उदय होगा, जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है, अरे युवा की नारी शक्ति का मिसाल उनके साथ है। अब समझ में आया कि काराकाट क्यों चुना गया, क्योंकि सबसे ज्यादा पीछे पिछड़ा जगह है, इसीलिए वो उन्होंने चुना। इससे पहले काराकाट का नाम भी कोई नहीं, नहीं वही चीज, देश भर में लोग जानते हैं, आप लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र का नाम जानते थे? नहीं जानते, लेकिन आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है गूगल से लेके हर जगह। क्यों, किसकी वजह से? पवन सिंह की वजह से भैया, पावर स्टार पक्का है। तो इसीलिए जब आते ही इतनी बड़ी आंधी ला सकता है तो सोचिए कि जितने के बाद कहां से कहां वो क्षेत्र पहुंचे। अगर जीत जाते हैं तो ये सारी सुविधाओं का लाभ काराकाट, बिल्कुल महिला, सबसे पहले महिलाओं को देना चाहिए। नहीं जी, नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं चुनेगी। देखिए जनता गैरू गैरू सबको लेके आते हैं, अब उनको जो इच्छा से आया है चुनाव लड़ने के लिए क्यों आया, जबकि वो व्यक्ति एसी में रह रहा था, स्टारडम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, चुनाव ही क्यों लड़े वो? एक चीज और इसमें होगी, काराकाट अगर पवन सिंह को जिता देता है तो ये साबित हो जाएगा कि बिहार में पहला इतिहास रचा जाएगा कि जात पात से ऊपर उठ के बात हुई है और युवाओं ने दिखाया है कि हम जात पात में नहीं, कि हम एक है, हम हिंदुस्तानी है। क्योंकि नहीं, अगर इस बार अगर वो जात पात से वो क्षेत्र नहीं उठा तो वो पूरे जीवन के लिए कुशवाहा क्षेत्र घोषित हो जाएगा। हाँ। तो बाकी जात वालों को भी अब दिखाना है, एक होके देना चाहिए, आपको कुशवाहा क्षेत्र से ऊपर उठ के बात करें। और नहीं, वहाँ के युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि जो मंत्री आपको लफुआ नाम से संबोधन कर रहे हैं ना, उनको जवाब आपको अब देने का समय आ गया है, और जवाब दीजिए अपने वोट से और जाइए और 1 जून को वोट कीजिए पवन सिंह को, और भारी मतों से विजय बनाइए और सबक सिखाइए ऐसे मंत्री को जो आपको लफुआ कहते हैं। दूसरी बात, जितना पवन सिंह के रैली में भीड़ होती है ना, उतना तो बड़े बड़े लोगों की सभा में भीड़ नहीं होती है, स्टार को देखने के लिए भीड़ जुटती है। भीड़ नहीं, वो वोट है भाई, वो लोगों की। आपको पता है अभी जो नॉमिनेशन में सभा हुई है ना, 44 डिग्री टेम्परेचर में लोग ऐसे खड़े थे, यू प्यार लुटा रहे थे। क्या आप बताइए हमें, ये प्यार नहीं तो क्या? काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लोगों के उम्मीदों पे पवन सिंह है, उनके अंदर भी पवन सिंह बसते हैं, कितने के दिल से निकाल पाओ। जा रहा है कि वो जो भीड़ जो लग रही है वो पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ लग रही है, एक हीरो के बेसिस पे। अच्छा, नहीं, देखेंगे नहीं। ना भाई, देखेंगे हारेगा या जीतेगा, इससे ज्यादा कुछ और होगा। ये कहना है कि वो जो भीड़ लगा है वो वोट में नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो जाओ उनको, वो अपना चिंता करें ना जाके। उसके बाद उन्होंने जो संबोधन किया, उस संबोधन से प्रभावित होके वही जो देखने आए थे वो वोट में तब्दील। 500 कुर्सी उनकी सभा में, वो इतने बड़े मंत्री थे, 500 कुर्सी लगा था, 500 कुर्सी उपेंद्र जी खुद अपना नहीं भर पाए और वो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे पे। आप अपनी चिंता कीजिए ना, काहे के लिए बुजुर्ग होके टिक्का टिप्पणी करते हैं युवा बच्चा सब पे? शर्म भी तो उनको आना चाहिए कि एज के बाद टिक्का टिप्पणी अच्छी नहीं लगती है। हम लोग का उम्र है टिक्का टिप्पणी करने का, उनका उम्र है इस तरह की बात करते हैं? बताइए, बिहार की जनता जैसा प्यार आप बनाए हैं, विश्वास बनाए हैं, बनाए रखिए और विश्वास कीजिए जीत आप ही की। देखिए, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब पवन सिंह का एक ट्वीट ने इतना बवाल मचा दिया कि आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है, नंबर वन पे चल रहा है, तो किसकी वजह से? पवन सिंह की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि जब चलियन पवन तो रोकियन कवन, आज झमकौला से हुई जी, पावर यहीं से स्टार्ट होला, यहीं पे खत्म, समझे ना? स्टार्ट होला यहीं से खत्म।